बागी विधायक जहां गोवा के रास्ते मुंबई पहुंचने की तैयारी में है, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में कल के शक्ति परीक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने विधानसभा पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया है। शिवसैनिकों ने बागी विधायकों को धमकी भी दी है। इसे देखते हुए विधानसभा की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। विधानसभा से देखिए इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। विधान भवन में फ्लोर टेस्ट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के आदेश के बाद विधान भवन में तैयारियां की जा रही है। 285 विधायक आएंगे कल इस फ्लोर टेस्ट के दौरान। ऐसे में जब विधायक यहां पर पहुंचेंगे तो आम दिनों में जब भी कभी सत्र होता है उस दौरान जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर विधान भवन द्वारा की जा रही है। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुख्य गेट है। इसी गेट से गुजरते हुए विधायक जो है वो विधान भवन के अंदर जाएंगे। ये सेटअप लगाया जाएगा। इसके बाद इस जगह पर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। जो तैयारियां बाहर चल रही है उससे अधिक तैयारी विधान भवन के भीतर चल रही है। जो टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है सत्र के दौरान, जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है शक्ति परीक्षण के दौरान, उनकी व्यवस्था विधान भवन के भीतर की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दें यहाँ पर कल जब शक्ति परीक्षण होगा उस दौरान विधायक, उनके जो कर्मचारी हैं विधान भवन के कर्मचारी और मीडिया कर्मियों को ही सिर्फ और सिर्फ विधान भवन में प्रवेश दिया जाएगा। अन्य व्यक्तियों को विधान भवन में आने की इजाज़त नहीं होगी। 48 घंटे से भी कम समय विधान भवन के पास है जब वो तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ले। मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा का जायज़ा लिया है। कुल मिलाकर कोशिश यही हो रही है कि जिस तरह से राज्यपाल ने आदेश दिया है कि कल जो है शक्ति परीक्षण करना है सुबह 11 बजे, उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली जाए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। राज्यपाल के आदेश के बाद विधान भवन में शक्ति परीक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें विधान भवन के बाहर से देख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के बड़े अधिकारी इस समय विधान भवन पहुंचे हैं। यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। जिस तरह से शिवसैनिकों ने धमकी दी है कि वो बागी विधायकों को सबक सिखाएंगे, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती और इसीलिए यहाँ पर साउथ रीजन के एडिशनल सीपी दिलीप सावंत यहाँ पर अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो अधिकारी हैं इस जोन के वो एडिशनल सीपी को बता रहे हैं कि विधायक कहाँ से आएंगे, किस जगह रुकेंगे और किस रास्ते से वो विधान भवन के भीतर दाखिल होंगे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सामने आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है। इसी जगह से एक एक कर विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। विधायकों की बस यहाँ पर पहुँचेगी और इस जगह पर बस रुकेगी और इसी के बाद इसी रास्ते से आप सामने देखिए विधान भवन के जो कर्मचारी है वो तैयारियां कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट की। साथ ही में मुंबई पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहती है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह की धमकी दी गई है उसे देखते हुए एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए खुद तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने विधान भवन के अधिकारियों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है, किस जगह रुकेंगे विधायक और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे, मीडिया की एंट्री कहाँ से होगी। सामान्य जो लोग हैं इस तरह के, जब भी कभी विधान भवन में सत्र शुरू होता है तो ऐसे में कई सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर बाहर इकट्ठा होते, लेकिन कल उन्हें यहाँ पर इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। विधान भवन के जो कर्मचारी हैं उनसे तमाम अधिकारी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। आखिरी खाका जो है सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए जाएंगे। कोशिश यही होगी मुंबई पुलिस की कि कल जब शक्ति परीक्षण यहाँ पर होगा तो उस दौरान किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो और बिना रोक टोक, बिना किसी हिंसा के ये शक्ति परीक्षण पूरा हो जाए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।